पंडित प्रदीप मिश्रा जाने माने कथावाचक हैं और इनकी फैन फॉलोइंग भी लाखों करोड़ों में है। दोस्तों, जब पंडित प्रदीप मिश्रा कथा सुनाते हैं तो वहां बैठे सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा अपने रुद्राक्ष को भी लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। वह दावा करते हैं कि इनके रुद्राक्ष को जो व्यक्ति धारण करता है उसकी समस्या का समाधान अपने आप ही होने लगता है। हालांकि इस विषय में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पंडित प्रदीप मिश्रा एक कथा करने का कितने रुपए चार्ज लेते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है और साथ ही में हम जानेंगे पंडित प्रदीप मिश्रा से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। मगर वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपका दोस्त दीपक और आप देख रहे हैं डीके डिस्कवरी फैक्ट्स। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप इससे पहले हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। अब आइए करते हैं इस नॉलेजफुल वीडियो की शुरुआत। पंडित प्रदीप मिश्रा जी एक कथा करने का कितना पैसा लेते हैं, इस बात को जानने से पहले आप थोड़ा पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जन्म मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में 1980 को हुआ था। इन्होंने स्नातक की शिक्षा प्राप्त की है। आपको बता दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा बचपन के दिनों में मंदिर में कथा वाचन करते थे और वह अपनी कथा में शिव पुराण का प्रवचन सबसे ज्यादा करते थे। यहीं से उनकी कथा वाचने के तौर पर प्रसिद्धि बढ़ गई और आज के समय में पंडित प्रदीप मिश्रा जी के करोड़ों फॉलोअर्स हैं। आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दें, पंडित प्रदीप मिश्रा जी का आस्था टीवी चैनल पर एक प्रोग्राम भी आता है जिसे करोड़ों लोगों द्वारा देखा जाता है। अब जान लेते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी एक कथा करने का कितना पैसा लेते हैं। वैसे तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कभी नहीं बताया कि वह एक कथा करने का कितना पैसा लेते हैं। हालांकि अमर उजाला जैसी मीडिया कंपनी ने दावा किया है कि पंडित प्रदीप मिश्रा एक कथा करने के लिए 7 से 8 लाख रुपया लेते हैं। इसके अलावा उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिससे भी उनकी आमदनी हो जाती है। वह अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों में दान करते हैं जिससे गरीबों का भला हो सके। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट कर बस बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।